अचानक तूफान शुरू हो गया। कुछ भी समझने से पहले और इसके साथ ही इलाके की सारी बिजली भी गुल हो गई और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। निस्संदेह करने को कुछ नहीं था, लेकिन आसमान का नजारा देखने लायक था। बिजली की चमक के साथ साथ प्रकाश की चमक भी होती है, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। घर के अंदर का नजारा बहुत ही अजीब है, इसलिए मैं लालच संभाल नहीं सका। मैं कैमरा लेकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। यह एक नए आकाश जैसा दिखता है, यह सचमुच बहुत अच्छा एहसास था। तो आप भी इस नज़ारे का आनंद लीजिए। आप में से कई लोगों ने ये खूबसूरत नज़ारा देखा होगा, बहुत से लोगों को कोई कारण नजर नहीं आया होगा, है ना? तो जिन लोगों ने कल का ये पल नहीं देखा है, अगर वे इसे देखें तो उन्हें मुझे एक लाइक अवश्य देना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं खड़ा था और मैंने चारों ओर बहुत अंधेरा देखा और उसके सिर में अचानक बिजली चमकी। यह प्रकृति का एक खूबसूरत रूप है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बहुत सी चीजें अभी भी प्रकृति के हाथ में हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मानव जाति प्रकृति ने उसे जो कुछ दिया है उसका अधिक संचय नहीं कर पाई है। हम इन्हें नष्ट ही कर रहे हैं। वैज्ञानिक कई वर्षों पहले से ही प्रकृति की इस विद्युत ऊर्जा को पकड़ने और उसका उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सक्षम होने की बात नहीं सुनी गई, क्योंकि आसमान की इस बिजली में ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिससे पृथ्वी पर लंबे समय तक दैनिक बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो आज संभव नहीं है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वे सोच रहे होंगे कि मैं बरसात के वीडियो में इतना कुछ क्यों कह रहा हूँ। अगर हम बात न करें दोस्तों, फिर बाद में हमें इनका कोई जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि धरती को बारिश रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों या जंगलों की जरूरत है। वह जंगल अब नहीं रहा, इसलिए मैं यह बात सभी को याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यह कहेंगे तो हमारी अगली पीढ़ियां सुनकर सीखेंगी, है ना? आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी या वीडियो के साथ। साथ रहना।